अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गार्डनिंग लवर्स चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब अपने अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वही प्लांट है जिससे मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो अब आप इस प्लांट को देखिए, इस रात की रानी को बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है, और ब्लूम तो कर रहा है मगर उसके साथ इस पे ये कीड़े भी आना शुरू हो गए हैं, वाइट फ्लाइज का अटैक। सुबह मैं इसके ऊपर बनाऊंगी, मेरे पास बना पड़ा हुआ है, वो मैं सुबह इसके ऊपर ज़रूर करूंगी। वाइट फ्लाइज का अटैक हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही ब्लूमिंग स्टार्ट होती है तो इस पर कीड़ों का अटैक होना मस्ट होता है। तो आप इस पे देख सकते हैं कि इसके प्लांट्स के जो बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक हो रहा है इसके ऊपर। अब मैं इस पर सुबह ज़रूर फौरन से मैं इसके ऊपर करूँगी। देखिए बहुत ज़्यादा सुबह मैं इसके ऊपर ऑर्गेनिक स्प्रे करने वाली हूँ, बनी हुई मेरे पास अभी भी मौजूद है। मैं अभी ही कर देती हूँ इस पर स्प्रे, मैंने बना कर रखी होती है। तो बहुत सी वाइट फ्लाइज आ रही हैं इसके ऊपर। खैर आप ये देखें इसकी ब्लूमिंग कितनी खूबसूरत है और कितनी ज़बरदस्त ब्लूमिंग है। और ये वही प्लांट है, मैं बहुत खुश हो रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। गुच्छों की सूरत में इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो हो रही है। 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। कीड़े भी इस पर आ रहे हैं, जब मैं इसके ऊपर वो पेस्ट वाली करूँगी तो वो सब इसमें चले जाएंगे, इसमें से चले जाएंगे। तो अभी मैं आपको वो भी करके बता ही देती हूँ, मैं अभी वो करती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ प्लांट, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है, इसलिए घबराएं नहीं, इसके अब पत्ते आगे आगे खुद ही झड़ जाएंगे सर्दियों में और ये ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। जैसे ही बाहर शुरू होगी इसकी फिर ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने नर्सरी वाले से भी पूछा जाकर, मैंने कहा ये ब्लूमिंग नहीं करा। बट मैं एक बात आपको बताऊं, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ डाली है, हर 15 दिन बाद आल पर्पज़ खाद जो कि मैं डालती हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, डाल के बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या डालती रही हूँ। हर 15 दिन बाद एक ही खाद मैंने इसमें डाली और एक ही चीज़ मैंने इसमें यूज़ की। हाँ, NPK के मैंने 7-8 दाने इसमें डाले एक दफ़ा बस। उस वीडियो का लिंक मैं आपको देती हूँ, उसमें आप देखिएगा इसकी क्या हालत थी, कितना बुरा इसकी कंडीशन थी। और अब आप इसको देखिए, अब इसमें पेस्ट अटैक स्टार्ट हो गया क्योंकि इसमें शीरा टपकता है और खुशबू की वजह से पेस्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं इन पे, तो पेस्ट अटैक होना लाजमी है। ये रहा दूसरा प्लांट, इस वक्त कलियाँ सब में खिली हुई हैं, इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है गुच्छों की सूरत में। अब भी कुछ थोड़ी कम है मगर उसमें कुछ ज़्यादा है, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आ रही है। ये मैंने मोतिये के साथ लगाया हुआ है मगर मुझे डर है कि कहीं मोतिये की वजह, इसकी वजह से कहीं मोतिये पर भी पेस्ट अटैक नहीं हो जाए। तो चलें खैर, अब इस पर स्प्रे करते हैं, दिखाती हूँ आपको। अच्छा ये देखें, ये मैंने ये स्प्रे बना के रखा हुआ है, इसके अंदर बेकिंग सोडा, एक ऑयल, एक चम्मच थोड़ी सी सर्फ और इसके अंदर यही चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं। और ये मैं रखती हूँ आमतौर पर बनाकर, अब ये मैं इसमें कर दूँगी। ये मैजिक लिक्विड बनाने का भी मैंने तरीका पूरे का पूरा शेयर किया हुआ है आपसे मेरी वीडियोस में, आपको मिल जाएगा।
तो ये आई थिंक स्प्रे बॉटल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो चले खैर इसको मैं बाद में देखती हूँ। खाद में मैं आपको बता देती हूँ कौन सी, हल्की हल्की गोडी कर दें इसके साइड पे। मेरे पास अभी यहाँ पे नाइफ पड़ी हुई है, थोड़ी सी इसकी गोडी कर दें। गोडी करने के बाद इसके अंदर जो ये वेस्ट कोई चीज़ उगी हुई है तो उसको खाली कर दें। और ये रही ऑल पर्पस खाद, ये बहुत सस्ती खाद हर किस्म के गार्डन ग्रीन वालों की और हर किस्म की फूलों में फ्रूटिंग में सबके लिए। ये देखें, ये एक मुट्ठी खाद की ली और इधर इधर डालें और अच्छी तरह से इसकी आपने वाटरिंग जो है ना वो कर देनी है। और इसी तरह ही ये मुट्ठी भर के मैं इसके इर्द गिर्द डाल देती हूँ, क्योंकि ये भी फ्लावरिंग पे है और इसको भी इसकी अब ज़रूरत है। दिन में इनकी भरी नहीं होनी थी, फ्लावरिंग नहीं हो रही होनी थी, तो मैंने अब रात को ही इसकी वीडियो बनाने का सोचा। मैंने कहा रात को बनाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बने रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।